आज से हमने एक मलिका शुरू की है। मुसलमान सिर्फ पंचर ही नहीं बनाते, मिसाइल, विप्रो, हमदर्द भी बनाते हैं और लाखों मुसलमान देश के लिए खून भी बहाते हैं। भारत के मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी पार्ट एक में आज हम आपको अल्लाह बख्श सुमरू और मौलाना अलाउद्दीन हैदर के बारे में बताएंगे। हम ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है इसे आगे पहुंचाइए। आप देख रहे हैं SD24, मैं शबाना कुरैशी। अल्लाह बख्श सुमरू ब्रिटिश कालीन भारत के जमींदार, स्वतंत्र सेनानी और सिंध प्रांत के सिंध इत्तेहाद पार्टी के राजनेता थे। बख्श का जन्म 1900 में सिंध राज्य के शिकारपुर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। 1918 में मैट्रिक परीक्षाएं पूरी की और अपने पिता के व्यवसाय में लग गए। वो कम उम्र में राजनीति में शामिल हो गए और उन्हें चौकोबाबाद नगर पालिका के लिए चुना गया। राजनीति के हर स्तर पर ब्रिटिश सरकार का विरोध करते रहे और 1936 में सिंध इत्तेहाद पार्टी का गठन किया। 1937 के सिंध विधानसभा चुनाव में इत्तेहाद पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, परंतु सरकार बनने से चूक गई। 23 मार्च 1938 को अल्लाह बख्श सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद बख्श द्वारा स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल्ला सिंधी पर लगे बैन को समाप्त कर दिया गया, जिससे अब्दुल्ला अपने वतन वापस लौट आए। मुस्लिम लीग के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध करने पर 18 अप्रैल 1940 को अविश्वास प्रस्ताव के तहत उनकी सरकार गिरा दी गई। सरकार गिराने के बाद दिल्ली में अल्लाह बख्श द्वारा 27-30 अप्रैल 3 दिवसीय आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सत्र बुलाया, जिसकी अध्यक्षता अल्लाह बख्श ने की। आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सत्र में जमीयतुल उलमाए हिंद, इत्तेहाद पार्टी, मजलिस अहरार उल इस्लाम, ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, खुदाई खिदमतगार, कुर्शु प्रजा पार्टी, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस आदि जैसे संगठन शामिल हुए। सभी संगठनों ने एक सुर में मुस्लिम लीग के दो राष्ट्र सिद्धांत एवं उसकी नीतियों का विरोध किया। 7 मार्च 1941 को अल्लाह बख्श को दोबारा फिर सिंध का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा ब्रिटिश संसद में भारत छोड़ो आंदोलन पर अपमानजनक समर्थन देने पर अल्लाह बख्श सरकार द्वारा प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के भाषण का विरोध जताया। अल्लाह बख्श की भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन करने की बात ब्रिटिश प्रशासन को पच न सकी और 14 अक्टूबर 1942 को सिंध के राज्यपाल सर ह्यू हॉडॉर द्वारा अल्लाह बख्श सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। सरकार बर्खास्तगी के बाद अल्लाह बख्श द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई खान बहादुर की उपाधि वापस कर दी गई और साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा परिषद में से भी इस्तीफा दे दिया। अल्लाह बख्श एक अखंड भारत के स्वतंत्रता के लिए सेनानी और पाकिस्तान विचार के प्रबल विरोधी थे। वो अपने पूरे जीवन भर मुस्लिम लीग की नीतियों के खिलाफ रहे। ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम लीग द्वारा 14 मई 1943 को उनकी हत्या करवा दी गई। मौलाना अलाउद्दीन हैदर स्वतंत्र संग्राम 1857 के क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 1824 ईस्वी में तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले में हुआ था। उन्होंने इस्लामी तौर तरीकों से शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा की समाप्त के पश्चात वो हैदराबाद के मक्का मस्जिद के इमाम बन गए। 1857 के गदर के दौरान ब्रिटिश प्रशासन द्वारा जिम्मेदार चेदा खान को गिरफ्तार कर हैदराबाद रेजिडेंसी भवन में बंद कर दिया गया, जिससे हैदराबाद की जनता आग्रह हो गई। तो रेबाज खान एवं मौलवी अलाउद्दीन मिलकर हैदराबाद रेजिडेंसी भवन पर हमला करने की योजना बनाने लगे, जिसको उन्होंने तय समय पर अंजाम दिया गया। 17 जुलाई 1857 को नमाज के बाद मौलवी अलाउद्दीन ने अपने दोस्त तो रेबाज खान एवं अन्य लोगों के साथ मिलकर हैदराबाद रेजिडेंसी भवन पर धावा बोल दिया। हमले के जुर्म में मौलवी अलाउद्दीन को गिरफ्तार कर अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल काले पानी की सजा सुनाई गई। वो लगभग 30 वर्ष तक सेलुलर जेल में रहे और वहीं पर उनकी मौत हो गई।